नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कई वर्षों से एक चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3 साल होने को जा रही है यूपी SSSC और जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है 2019 में, उसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आप लोग बहुत दिन से बेताब हैं। तो वो घड़ी आ चुकी है, आइए इस वीडियो में समझेंगे कि लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट कब आएगा और कितना कट ऑफ जा सकता है, इस बात पर भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में कौन कौन सी बातें देखी जाएंगी कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो UP SSSC लोअर पीसीएस की जिन्होंने तैयारी की थी 2019 में, 672 पोस्ट थी और जिन लोगों ने मेंस एग्जाम दिया था उनका जो फाइनल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो कितना जा सकता है, तो ये कट ऑफ पर भी बात करेंगे और रिजल्ट पर भी बात करेंगे। आइए एक एक करके इन बातों को समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो कुल पोस्ट थी, ठीक है, पोस्ट कितनी थी इस बार, तो आप सभी को पता होगा ये जो पोस्ट थी वो 672 पोस्ट थी। इसका प्री एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम हुआ, मेंस एग्जाम के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए कितने लोगों को बुलाया गया, तो 1861 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1861 लोगों को बुलाया गया था, उसके बाद अब फाइनल जो कट ऑफ आएगा वो कितना आएगा और रिजल्ट कितना जाएगा, पहले बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। तो चलिए थोड़ा बढ़ते हैं, कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कितनी थी, 672, 1861 लोगों को यहाँ पर किसके लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बनना है वो मेरे अकॉर्डिंग बनना है। आप इसमें ज़्यादातर जब आप इसका रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया UDLD सप्लाई इंस्पेक्टर जब रिजल्ट आया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी लोअर पीसीएस की भर्ती थी, कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, तो आप लोगों ने उसको वीडियो को देखा होगा, तो वो कट ऑफ सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग गया था, पॉइंट में इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो यहां पर भी मैं प्लस माइनस एक को अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, अगर आपके इसके अकॉर्डिंग नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 309 प्लस माइनस एक आपको देखने को मिलेगी इस बार, ठीक है। लोअर पीसीएस 2019 की जनरल की जो कट ऑफ बनेगी वो 309 प्लस माइनस एक कह सकते हैं, यानी 310 तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 308, इससे कम नहीं जाएगी, 308 से तो कम शायद ही जाए, ठीक है, 308 से ऊपर रहेगी। अगर हम बात करें OBC की, तो 306 प्लस माइनस एक आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 305, ऊपर 307 इतना हो सकता है, ठीक है। तो 306 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें SC कैंडिडेट की, तो उनके 290 प्लस माइनस एक यहाँ पर भी बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 298 प्लस माइनस एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हल्का ज़्यादा जा सकता है SC कैंडिडेट्स की अपेक्षा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली चार कैटेगरी को उठा लिया, SC के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ST का भी है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देख सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ PH कैंडिडेट होंगे, कुछ भूतपूर्व सैनिक होंगे, ठीक है, तो उनका कट ऑफ अभी मैंने नहीं बनाया यहाँ पर, केवल आप इन चार कैटेगरी का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा, फिर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की जो प्रक्रिया थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस जो दिन जा रहा है आपका वही दिन जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए अभी तक जो जानकारी मिली है रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों दिसंबर का महीना है और आपको ये जो जानकारी है ये आपको 20 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाएगी, यानी 20 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। ये पूरे चांस से अभी तक की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं कह सकता हूँ आप 100% ना मानकर 99% मान के चलें कि 20 दिसंबर से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद अभी तो बहुत सारे रिजल्ट UP SSSC के रुके पड़े, तो लगातार काम चल रहा है आयोग की तरफ से, तो 20 दिसंबर से पहले आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको पता है कि पैट का भी रिजल्ट देना है उन्हें, लेखपाल का भी रिजल्ट देना है, UDLD सप्लाई इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट देना है, ठीक है, और जो 2016 की भी कुछ भर्ती पड़ी रुकी पड़ी उनका भी रिजल्ट इनको देना है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आ रहा है UP SSSC आयोग की तरफ से वो लोअर पीसीएस का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो एक नई जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग लोअर पीसीएस 2019 वाले का सबसे पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद UP SSSC दूसरे जो विभिन्न परीक्षा रुकी पड़ी हैं या विभिन्न जो रिजल्ट रुके पड़े उन पर काम करेगा। तो आप याद रखें, अगर आपके इसके इर्द गिर्द नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, आप अपनी भी तरफ से कट ऑफ का एक आकलन करें और आप खुद कमेंट करके बताएं कि जनरल OBC SC और ST और फीमेल कैंडिडेट कितना कट ऑफ जा सकता है, आप जरूर बताएं आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाना चाहिए। चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं।